14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और इसे बास्टिल डे के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंच सरकार ने 14 जुलाई को ही राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया है और क्योंकि ये फ्रांस के लिए खास दिन था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश के स्वभाव अनुरूप इस खास दिन पर फ्रांस को बधाई भेजी थी, जिसके जवाब में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के बधाई वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मैक्रों ने लिखा, धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे लोग समृद्ध टिकाऊ और स्थिर भविष्य की इस सामान्य इच्छा को साझा करते हैं, हमें आपस में सहयोग बनाए रखना चाहिए। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस को बधाई देते हुए ट्वीट किया था, लिखा था, बास्टिल दिवस के अवसर पर मेरे प्रिय मित्र इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस के लोगों को बधाई, हम फ्रांस के साथ महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और हमारे सहयोग के विस्तार करने को लेकर प्रतिबद्ध है। फ्रांस के इतिहास की बात करें तो 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्टिल के कारागृह फाटक को तोड़कर ढेरों बंदियों को मुक्त कराया था। तभी से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे बास्टिल डे कहा जाता है।